तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट डे रूल्स सर्वाइवल। तो गाइस, आज एक हमने एक नया सर्वर स्टार्ट कर दिया है और गाइस वो ख़त्म भी होने वाला है, बट मैं आधे से आया था इस सर्वर में, इसलिए मैंने इस सर्वर का वीडियो नहीं बनाया था, ठीक है ना। तो अभी मैं जा रहा हूँ यार बोर्ड बेस लूटने, क्योंकि बोर्ड बेस लूटना ज़रूरी है। थोड़ा सा हमको स्टील चाहिए था, थोड़ा सा नहीं यार बहुत चाहिए, बट हमारे पास थोड़ा सा कम पड़ रहा था मेंटेनेंस के लिए, ठीक है ना। तो अभी हम बोर्ड बेस लूटने जा रहे हैं। एक भी बोर्ड बेस हमने छोड़ा नहीं है अब तक का, ठीक है। तो अभी दूसरा भी एक हार्ड वाला बोर्ड बेस आया है गाइस, आपको आगे पता ही चल जाएगा भाई कितना हार्ड है वो बोर्ड बेस। और बहुत सारे बंदों को भाई ये बोर्ड बेस देख के मतलब पीछे हट जाते हैं, मतलब लूटने का मन ही नहीं करता। बट इस बार मैं लूट के दिखाऊंगा गाइस, क्योंकि यार ये बोर्ड बेस है ना भाई, किसी को नहीं आता ना तो बहुत हार्ड लगता है, और भाई जिसको आता है ना भाई बहुत इजी से लूट लेता है, ठीक है ना। तो यार ये बोर्ड बेस भी मैंने बहुत मतलब बहुत महीने हो गए यार इस बोर्ड बेस को लूटे हुए, ठीक है ना। तो मैं पहले तो यार अपना बैग लगा देता हूँ, इस बोर्ड बेस के अंदर जाने से पहले यार बैग लगा ले भाई, ज़रूरी है क्योंकि कभी ना कभी मारते ही यार इस बोर्ड बेस में। पर मैं इस बार मेरे बिना ही मैं मतलब बोर्ड बेस को करके दिखाऊंगा। ओके, मेरे दोस्त को भी देना है तो जल्दी से दे देता हूँ। ओके ओके, तो एक मेरा दो बैग लगा रहा हूँ, क्योंकि यार मैं ही आगे जाने वाला हूँ, उसको मतलब बहुत कम आता है उसको बोर्ड बेस, ठीक है ना। तो वो भी मेरा वीडियो देखेगा तो समझ जाएगा कैसे किया था मैंने आगे। तो वो तो आगे चला गया है भाई, पर मेरे पीछे रह गया वो, जल्दी से मेरे को भी आगे जाना पड़ेगा। ओके भाई, मेरे को डैमेज लग गया यार मेरे को जल्दी आगे बढ़ता रहना पड़ेगा यार, ज़्यादा डैमेज हो जाऊँगा ना तो मर जाऊँगा, इससे अच्छा तो मैं मेडिसिन कर देता हूँ। तो इस बोर्ड बेस में जाने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आपको 500-600 एमओ तो लेके जाना पड़ेगा, बहुत ही मुश्किल है ये बोर्ड बेस। और ईजी को मारे बिना आप सोलो में कर रहे हो तो ईजी को मारना ही पड़ेगा, और डुओ में हो तो मतलब ईजी हो जाएगा फिर, बहुत ईजी को मारना भी नहीं पड़ेगा। एक बंदा ईजी ग्लिच करवाएगा, दूसरा बंदा आगे निकल जाएगा, दूसरा बंदा आगे जाके फिर उसको भाई बहुत ही मुश्किल से ट्रैप पार कर पाएगा, ठीक है ना, वो भी बता रहा हूँ। तो भाई इधर फैटी भी होता है, ध्यान से भाई, मेरे दोस्त को मैंने पहले ही बोल दिया था कि इधर फैटी होता है। तो भाई कहाँ है? ओके, इधर जॉम्बी दिख रहे मेरे को। ओके, रहा फैटी, तो उसको पहले से ही मार देता हूँ। रुको, ख़त्म गाइस, वो मेरे पे हमला करे उससे पहले ही मैंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि मेरे पास था AR, ठीक है। तो भाई मैं डर गया यार, दूसरा फैटी कहाँ से आ गया। तो इधर मेरे को नहीं दिखाई दे रहा यार, उसको देखना पड़ेगा। ओके, नीचे गाइस, उसको मार देते हो, पीछे की साइड भी है और ऊपर, मेरे दोस्त ने मार दिया यार। इसको मारने के लिए बिना स्कोप पे मारना पड़ेगा उसको। ओके, तो अभी मेरे को जाना है इधर से, डायरेक्ट जंप लगाऊंगा गाइस। भाई पहले मेडिकेट कर लेता हूँ, नीचे क्या पता यार बोट क्या पता यार मार दे तो मेरे को। ओके यार, मैंने बोला था यार बोट होते हैं यार बहुत सारे इधर। ओके, तो भाई इस बोर्ड बेस में मैं मतलब थोड़ा सा भी HP कम होगा ना मेडिकेट लगाते रहूँगा, क्योंकि मेरे को कोई मतलब ख़तरा नहीं मोड़ लेना है, क्योंकि इधर नीचे भाई मौत का कुआ है, ठीक है। एक बार नीचे गिर गए गलती से भी तो आपका लूट भूल जाओ, आप कभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इसका भाई नीचे एक बार गिर जाओ तो ऊपर आने का कोई भी रास्ता नहीं है। देख सकते हो नीचे वुड स्पाइक के अंदर नीचे की साइड। तो इधर आपको जैसे मैं स्टेप बाई स्टेप कर रहा ना वैसे ही आपको आना है, ठीक है। तो देख सकते हो जैसे कि मैंने आ चुका, और ये अपना हिंट मान सकते हो, जो लाइटिंग लगा हुआ है ना भाई ऐसे, मतलब देख सकते हो मेरे फ्रेंड का हालत हुआ, वैसे ही आपका हालत हो सकता है, जैसे मैं आया ना वैसे ही आना, नहीं तो। तो यार इधर तो मतलब इतना अच्छा खासा लूट नहीं है, देख सकते हो स्टील नहीं मिला हमको, ठीक है। तो भाई ये सारा लूट भी उठा ही लूँगा, अभी क्या काम का यार, छोड़ के भी कुछ काम का नहीं है, क्या पता यार अंदर जाके मतलब थोड़ी सी एमो खुट जाए तो पिस्तौल से भी मार देंगे, बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा गाइस। वो मेरा बंदा आ रहा है ना, तब तक मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो अभी मैं नीचे आ चुका हूँ यार, बहुत वेट किया उसका, बट वो धीरे धीरे करके आ रहा था, क्योंकि इसको इस बोर्ड बेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं था इसलिए, ठीक है। तो यार मैं जैसे ही इधर मतलब ईजी को मार रहा था ना भाई, वो फिर से नीचे गिर गया खड्डे में भाई। उसको मैंने बोल दिया कि भाई तू अभी आना ही मत, मैं अभी अकेला ये बोर्ड बेस को कर लूँगा, बट तू मत आ यार, क्योंकि वो जैस मतलब बहुत सारा सामान लेके आता है और भाई नीचे गिर के पूरा सामान गवा देता है, इससे अच्छा तो भाई वो नहीं आएगा, तो ही बेटर रहेगा, ठीक है। पर ये भाई ईजी बहुत अंदर भी है, डैमेज देता है यार, मेरे को कोने में रहना पड़ेगा, इसको मारना है ना बहुत धीरे से मारना पड़ेगा, नहीं तो मेरा हेल्थ बहुत जा रहा है यार, वो एक ही बार में 30-40 का हेल्थ खा जाता है यार। तो गाइस एक काम करता हूँ यार, मैं तीसरी बार ये मरा है, ठीक है, एक बार और मैंने चांस दिया था उसको,
बट इस बार मैं गाइस मेरे को खुद करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये अभी मतलब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, वो आ ही नहीं रहा और मैं इधर वेट कर करके मैं पक गया हूँ, ठीक है। तो इसको भाई मैं खुद ही मार दूंगा इजी को। वैसे भी इजी इतना मतलब जो बायो वाला इजी होता है ना, उससे तो स्ट्रॉन्ग नहीं होता ज़्यादा, मतलब थोड़ा हल्का फुल्का होता है, जल्दी मर जाएगा ये। बट डैमेज तो सेम ही दे रहा है यार, बहुत ही गंदा वाला डैमेज दे रहा है, तो मेरे को बच के यार रहना पड़ेगा। ये भाई मार कितना खतरनाक रहा है यार, देख सकते हो। मेरे को अभी भागना पड़ेगा, इसने भाई मेरा इतू सा हेल्थ छोड़ के रखा है, देख सकते हो। ओ भाई 57 का हेल्थ है गाइस, जल्दी भागना पड़ेगा मेरे को। ओके तो भाई दूसरा एक और सीरीन लगा देता हूँ। भाई डैमेज पे डैमेज दे रहा है यार, इसको इस बार नहीं छोड़ूंगा, एक बार हील करने दो यार, फिर मैं देखता हूँ इसको। ओके अभी आ जा भाई, तू अभी कुछ भी कर लेगा, तेरे को मार के रहूँगा मैं। अरे भाई भागो भागो भाई, थोड़ा ही बचा है भाई, दो एक रिलोड में मर जाएगा ये अभी। भाई एक दो फटका और मारा ना मैं मर जाऊंगा, जल्दी जल्दी भागो भागो। अबे भाई 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 भाई, 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 भाई। दो फटके का रह गया मैं। ओके फाइनली मैंने इसको मार दिया गाइस, अभी मेरे को अपने आप को यार पूरा हील करना पड़ेगा, क्योंकि इधर एक भी गलती और भाई इधर टरेंट सारी ऑन हो जाएगी, मैं भाई मेरा कचुम्बर बन जाएगा, मेरा मेहनत भी जाएगा, ठीक है ना। तो इससे अच्छा तो भाई अपने को हील कर लें। ओके पूरा हेल्थ फुल कर दूंगा भाई, अभी अभी तक तो देखो यार वो ऊपर से नीचे गिरे जा रहा है, कभी कभी जॉम्बी से मार रहा, समझ में नहीं आ रहा, वो उधर से निकल ही नहीं पा रहा। ओके अरे भाई एक नहीं यार 10 लगा देता। ओके अभी देखते हैं कौन सा वाला ओपन करना है। ओके ये रहा, मेरे को मिला है गाइस इधर, एक और खुला गाइस, उसको भी मारना है। और भाई ये कुछ भी नहीं खुला यार, रुको रुको पहले इसको मारता हूँ फिर उसको, भाई उसको मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मारना पड़ता है शायद, तो अभी पता चला मेरे को। ओके भाई मार जल्दी मार मार मार। ओके 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 खुला खुला। अभी भाई 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 भाई, भाई ऑटोमेटिक राइफल, अरे यार उसको मारना था, बट यार मैं थोड़ा हड़बड़ाया गया ना भाई, बहुत महीनों के बाद कर रहा तो थोड़ा बहुत भूल गया था, बट इतना भी भूला नहीं हो, तो मेरे को पता है यार कौन सा कहाँ पे जगह होती, ठीक है ना। जो केरा भाई 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 बच गया, अरे यार थोड़ा सा थ्रो हो जाता ना तो मतलब अंदर ही घुस जाता मैं। ओके खुला खुला खुला। ओके खुला खुला भाई 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 बच गया, फिर से मारा। ओके इस बार पक्का घुस जाऊंगा। ओके गाइस तो यार मैंने ये सोलो में कंप्लीट कर लिया गाइस, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत आगे जाना है भाई, अभी तक स्टील ही नहीं मिला मेरे को, देख सकते हो स्टील नहीं मिला मेरे को अभी तक, मतलब ये फालतू का सामान मिले जा रहे हैं मेरे को। तो मैं जल्दी से यार अपना हेल्थ तो फूल ही है, तो मैं हेल्थ क्यों बढ़ा रहा, मतलब थोड़ा भी कम नहीं होना चाहिए गाइस, ठीक है। ओके तो यार इस भूल भले ही ऐसे मेरे को बाहर निकलना पड़ेगा, तो कैसे भाई मेरे को थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा पहले तो। ओके तो मेरे को पता नहीं है कि मैं कौन सी साइड जा रहा गाइस, बट ओके इधर रास्ता बंद है तो ये वापिस जा रहा गाइस मैं, तो इधर कोई रास्ता। ओके इधर स्टील गेट दो लगे हुए देख सकते हो, बट हमको जाना है यार दूसरी साइड, वहाँ पे जनरेटर रहता है, ठीक है, एक खड्डा जैसा होता है उसके अंदर जनरेटर होता है, जैसे कि मैंने शुरुआत में किया था वहाँ पे, ठीक है, इजी से पहले, वैसे सेम ऐसा ही होता है, बट मेरे को ढूंढना पड़ेगा। ये तो अपना बक्से वाला जगह ही है, वापस आ गया मैं उधर, तो कहाँ जाऊँ यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, मैं इधर उधर ही घूमता रहता हूँ यार, इसीलिए मतलब बहुत ही मुश्किल वाला बोर्ड भेज है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है यार कहाँ से कहाँ जाना है उसमें। ओके तो मैं ये बार गलती नहीं करूँगा, ये तो स्टील गेट वाला है गाइस, देख सकते हो अंदर कुछ है नहीं है गाइस, उसमें कोई सीट वीट नहीं लगी है गाइस। ओके इस रास्ते से कभी मैं नहीं गया था, ये देख सकते हो सीढ़ी है ऊपर, इधर सीढ़ी है तो इधर क्या है। ओके इधर रास्ता बंद है, तो इधर देखते क्या मिलता है हमको। ओके ये रहा गाइस, नहीं यार इधर नीचे जाने का रास्ता है, जनरेटर नहीं है, फिर भी एक बार झाके देखते हैं क्या पता यार कुछ रास्ता मिल जाए। ओके ये रहा गाइस, देख सकते हो रास्ता मेरे को और भी मिलता जा रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ भाई, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा ना मतलब कुछ अलग सा ही मेरे को देखने को मिल रहा है यार, जनरेटर तो नहीं दिख रहा गाइस, सीढ़ी की सीढ़ी मिल ही रही है यार बार बार, और ऊपर ही जाता जा रहा मैं, बट जनरेटर अभी तक मेरे को नहीं मिला है। ओके इधर रास्ता बंद है अभी।
ओके ओके मिला हाँ गाइस, मैं देख सकते हो यार यही है जनरेटर वाला रास्ता, तो इधर से मैं और बाहर जा सकता हूँ ठीक है। तो 10 ऑयल डाल देता हूँ और इधर बक्से में क्या है गाइस देखते हैं। ओके 100 स्टील मिल चुका है गाइस और थोड़ा बहुत सामान मिल चुका है देख सकते हैं। तो 2000 आयरन मिला है गाइस और थोड़ा बहुत क्रूड ऑयल मिला, क्रूड ऑयल तो नहीं बोल सकते भाई, फैटी वैटी है। ये सबसे बड़ा खतरनाक वाला रास्ता है गाइस ये, इसको मेरे को 2-3 बार करूँगा तो तब जाके मैं कर पाऊँगा। मुझे नहीं पता गाइस कितना मतलब वक्त लगने वाला है इसमें। तो इसके बाद हमको भाई डायरेक्ट टॉप पे पहुँचा देगा जहाँ पे हमको फाइनल लूट मिलेगा ठीक है ना। और पता नहीं क्या लूट मिलेगा भाई, मैं थोड़ा सा लेट हो गया तो जल्दी से मेरे को इधर दोबारा से वो चीज़ करना पड़ेगा और इस बार मैं गलती नहीं करूँगा। इस बार भी गेट ओपन हो चुके हैं गाइस, जल्दी से जल्दी दौड़ना पड़ेगा यार जल्दी से। अबे यार माइक्रो सेकंड के अंदर रह गया यार, थोड़ा सा आगे चला जाता ना तो मैं और आगे निकल जाता, बट अभी इधर से मेरे को पूरा प्रोसेस फिर से चालू करना पड़ेगा। और नीचे यार फैटी पड़े हैं तो उनको मार के फिर जाना पड़ेगा वहाँ पे ठीक है ना। उधर सीढ़ी है, उधर से मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ जहाँ से मैं पहले आया था। तो भाई इनको मारने के लिए मेरे को यार कैसे मारूँ, ये तो मेरे से चिपके रहते यार देख सकते हो। बट ओके एक ग्लिच से हट गया भाई, भाई उसको मारते, अरे भाई फिर से भाग गया वो देख सकते हो अभी वो फिर से, अरे भाई फिर से भाग के इधर ही आ जा रहे हैं जैसे मैं गोलियाँ चला रहा ना वो। ओके एक को तो मार दिया गाइस मैंने, बट इसको मारने का थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को, तो कैसे मारो यार। ओके 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 ग्लिच हटा। और भाई अब यार बहुत मुश्किल है यार मेरे को, भाई बहुत मुश्किल हो रहा है देख सकते हो। और मेरे पास इतना भी ज़्यादा बैंडेज नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा बिगाड़ूंगा नहीं, क्या पता आगे और ख़तरा हो, इसलिए मैं ज़्यादा ज़्यादा कम से कम मतलब एमओ बिगाड़ूंगा ठीक है ना, और बैंडेज भी। तो क्योंकि ईजी है ना भाई, ईजी नहीं है गाइस सॉरी फैटी बहुत ही जल्दी स्पॉन हो जाता है देखना। ये दूसरी बार में फंसूंगा तो फिर से मेरे को मारना ही पड़ेगा ठीक है ना। ओके 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 एक बार, इस बार तो आ गया गाइस मैं, और बहुत ऑलमोस्ट पूरा कर दिया था गाइस पर मैं भाई थोड़ा सा चुक गया। तो इधर फैटी, ओके गाइस फिर से फैटी आ चुके हैं गाइस, तो अभी इसको मारना पड़ेगा फिर से और फिर मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा ठीक है ना। मैं पहले इसको मार देता हूँ दोनों को। ओके तो ये लास्ट वाला ये फैटी था तो उसको तो मैंने मार दिया गाइस, अभी फिर से जल्दी से स्पॉन हो जाए ना उससे पहले मैं जल्दी से इधर से निकल जाता हूँ। और इस बार गाइस मैं थोड़ा स्पीड से निकलूँगा यार, थोड़ा सा भी गलती नहीं करूँगा, एक ही बार मैं निकलने का ट्राई करूँगा ठीक है। ओके 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 इधर जंप करना है गाइस, पिछली बार मैं अटक गया था बट इस बार गाइस मैं भाई फिर से अटका गाइस, फिर से अटका। मुझे इधर का मतलब मैं इधर फंस गया था ना इसलिए मैं मतलब पता ही नहीं चला आगे का और रास्ता है, एक और गेट बच गया है ठीक है ना, उधर भी मेरे को जल्दी से जाना है। तो गाइस जल्दी से मैं इधर वापस आ जाता हूँ और फिर मैं हम आगे चलते हैं ठीक है ना। ओके तो मैं फिर से इधर आ चुका हूँ और इस बार मैं रुकूंगा गाइस, रुकूंगा नहीं गाइस दायरे की चला जाऊँगा। तो गाइस अब भी मैं देख सकते हो फाइनल स्टेज पर आ चुका हूँ, देखते लूट। ओके 200 स्टील, तो यार पूरे बेस में लूट लूटा मैंने तो 300 स्टील ही मिला गाइस मेरे को, मतलब ये डिसअपॉइंट किया मैंने मेरे को। तो इतना भी कुछ ज़्यादा नहीं है देखा ये मतलब जितना बॉडबेज मतलब मुश्किल है ना उस हिसाब से ये मतलब बॉडबेज लूट नहीं देता गाइस, मतलब जिसको यार ज़रूरत होगा ना तो वो लूट सकता है। और एकदम इजी तो है गाइस ये, मैं बहुत दिनों बाद लूट रहा हूँ इसलिए मेरे को थोड़ा बहुत मुश्किल हुआ था क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं अपने हिसाब से लूट रहा था। बट फिर भी गाइस मैं मतलब ऐसे ही मतलब एक बार भी मरा नहीं हूँ, डायरेक्ट लूट लिया था ठीक है ना मैंने। तो आप भी एकदम ट्राई कर सकते हो यार क्योंकि बॉडबेस तो सारे आना ही चाहिए, सिविलाइजेशन खेल रहे हो तो काम आएगा गाइस किसी का किसी दिन ठीक है ना। तो गाइस नए बंदे को तो भाई ये बात जानना जरूरी है गाइस। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।